हाय एवरीवन, आज मैं छोटे बच्चों पर कैसी कटिंग की जाती है वो तरीका करने को बताऊंगी। पहले तो फिलहाल आप देख सकते हैं लॉन्ग हेयर है, एंड लॉन्ग हेयर पे पहले पीछे मैं स्ट्रेट कटिंग करूंगी और फ्रंट में साधना कट। तो पहले हम लोग स्प्रे कर लेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, बालों को गीला कर लेंगे। शीट ज़रूर लगा लीजिएगा, और शीट लगाने के बाद से स्प्रे करेंगे, अच्छी तरह से कॉम करेंगे, और बैक साइड में मैं स्ट्रेट करूँगी और फ्रंट में साधना कट। ये बहुत स्टाइल बहुत पुराना है, बट फिर भी अभी भी सबको बहुत पसंद आता है। मोस्टली आप देखते हो बच्चों को और किड्स को तो बहुत अच्छा लगता है, और उनके फेस पे भी ये सूटेबल होता है। तो देख सकते हैं इन बालों पे मैं साधना कट करूँगी। ऑलरेडी मैंने कटिंग किया हुआ था, तो जैसे जैसे ग्रो हो जाता है तो इसकी कटिंग होती रहती है। ओके गाइस, साधना कट करने से पहले हेयर लाइन वाले बालों को ही आप निकालेंगे, और देख सकते हैं कि मैंने हेयर लाइन वाले हेयर में हल्के हल्के जो बाल होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से निकालूंगी और स्ट्रेट कर दूंगी। काटने का तरीका आप देख सकते हैं ऐसे ही काटा जाता है, बट हाँ, लेंथ उसको शॉर्ट मत करिएगा। अगर आपने लेंथ शॉर्ट कट कर दिया तो ये एकदम ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, जहाँ आईब्रो होता है आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर ही होता है, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा नहीं अच्छा लगता है, लॉन्ग ही अच्छा लगता है। और काटने का तरीका सेम ऐसे ही है, आगे फ्रंट में फोरहेड पे बालों को नीचे की साइड से कटिंग होती है। अगर आपने ऊपर उठा के कट किया तो वो जिगजैग में आ जाएंगे। तो काटने का तरीका सेम ऐसे ही है, आईज आप क्लोज करवा सकते हैं, और उसके बाद से कॉम प्रॉपर तरीके से चेक करती रहूँगी कहीं से छोटा बड़ा तो है तो नहीं, और कॉम कर करके उसकी फिनिशिंग देते रहेंगे। एकदम स्ट्रेट काटना है, कहीं पर भी बाल आपको उठाने नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेट कट करने हैं। ओके गाइस, और आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, और दोनों साइड के हेयर इक्वल होने चाहिए, और ये किड्स पे और बच्चों पे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे तो फिलहाल लेडीज़ भी करवा लेती हैं, फ्रंट के स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, बहुत इजी है हेयर कट करना। अगर आप इस वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हेयर कट कैसे किया जाता है, आई एम श्योर कटिंग काटने की स्टाइल और जो तरीका होता है वो आप ज़रूर सीख जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए हैं, ऑलरेडी जिन्हें कटिंग एकदम नहीं आता है वो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। गाइस, अगर कोई भी आप कटिंग करते हैं तो ब्लो ड्रायर से कैसे इसको सेट किया जाता है और उसका लुक कैसे दिया जाता है, इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है। और देख सकते हैं बैक साइड में कटिंग कर रही हूँ, और पीछे वाले जो बाल होते हैं उन्हें मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, पहले तो बीच वाली लाइन को गाइडलाइन बनाएंगे और क्लाइंट के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे कि कितनी लेंथ उन्हें कट करानी है। और जो देख सकते हैं कि जो सर का पोजीशन होता है उसको ज़्यादा ना ही ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं, पोजीशन आप प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को गाइड करें कि किस पोजीशन पे उनको सर रखना है। ओके गाइस, देन उसके बाद से अच्छी तरह से कॉम किया मैंने। कॉम करने के बाद फिंगर की होल्डिंग आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से मैंने होल्ड किया है बालों को, और क्लाइंट से लेंथ मैंने पूछ लिया है कि उन्हें कितना कट चाहिए। उन्हें कट बस ज़्यादा नहीं चाहिए, और ठीक है नॉर्मल तरीके से है। नीचे वाले बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और रफ हो जाते हैं, तो मंथली मंथली हेयर कट ज़रूर करवाएं। आप देख सकते हैं कटिंग काटने का तरीका, होल्डिंग मेन होता है, होल्डिंग से आप बालों को अच्छे से काट सकते हैं, और ये हमारी गाइडलाइन बन जाएगी। और इस गाइडलाइन को दोनों साइड मैंने हेयर करके उसी के अकॉर्डिंग में जो तीनों पार्ट डिवाइड किया तो वैसे ही स्ट्रेट काटूंगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने ब्लो ड्रायर से कैसे सेट किया है वो भी बताऊंगी। ठीक है,
सो गाइस देख सकते हैं कि जो मैंने गाइड लाइन लिया था उसके अकॉर्डिंग दूसरे साइड के हेयर को कट किया है और प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग दूंगी। रिपीट टू रिपीट कॉम करके इसको चेक करते रहिएगा, अनइवन से हेयर रह तो नहीं गए हैं। अब नेक्स्ट वाले हेयर को मैं लूँगी और गाइड लाइन उसमें मर्ज कर दिया है और लेंथ मुझे पता चल गया कि कितना कट करना है। देख सकते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करेंगे और ये पूरे बालों को लेके मैं उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रेट कट कर लूँगी। बालों को उठाना नहीं है, एकदम नीचे 0 डिग्री पे ही कट करने हैं और होल्डिंग मेन होता है। इसी तरीके से ही हेयर कट होता है और कटिंग काटने का बहुत इजी तरीका है, वो प्रॉपर तरीके से मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेट कटिंग किया जाता है और फ्रंट की स्टाइल कैसे दी जाती है। देन उसके बाद से जो पूरे बाल के कट हो जाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एक बार और फिनिशिंग दे दिया है मैंने, ठीक है। और देख सकते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आई है, एकदम स्ट्रेट है। मेरे क्लाइंट को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी ये कटिंग अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं पूरे बाल एकदम इक्वल लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ऐसे ही कटिंग करनी है आप लोगों को भी। सो गाइस, ड्राई करने का स्टाइल आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से फुल वॉल्यूम का हीट देना है आपको और फ्लैट ब्रश से स्ट्रेट करना है। अगर आपने स्ट्रेट कटिंग किया है तो आप फ्लैट ब्रश से स्ट्रेट कर सकते हैं, इससे प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग भी आती है और वॉल्यूम भी दिखता है एंड कटिंग प्रॉपर तरीके से आपको फिनिशिंग में भी दिखेगा। ओके, ड्रायर ज़रूर करिएगा, जब भी आप कटिंग करें तो ड्रायर से सेटिंग ज़रूर करेंगे क्योंकि क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और आपको अपनी कटिंग की फिनिशिंग भी पता चल जाती है, ठीक है। और देख सकते हैं ड्रायर करने का तरीका ऐसे ही सेम है और ऐसे ही सारे बालों में ही स्ट्रेट करना है आपको। आगे के वाले बालों को स्ट्रेट नहीं करना है, वो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थ्योरी भी समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से अगर देखेंगे तो कटिंग करना सीख जाएंगे। और ऐसे ही पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय गाइस।